यूपी के हमीरपुर जिले में आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक भारतीय थल सेना के घर से चोरी हुई उसकी लाइसेंसी पिस्टल को बरामद करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कई आपराधिक मामलों में नामजद थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों और उनके आपराधिक इतिहास की लिस्ट तलाशना शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली कस्बे के बुधौलियार मोहल्ले का है, जहाँ रहने वाले परमानंद राजपूत भारतीय सेना के लद्दाख बॉर्डर में तैनात है। उनके घर से तीन लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर उनकी लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल को चोरी कर लिया था, जिसकी शिकायत फौजी ने पुलिस से की थी। जिसके बाद पुलिस ने आज घटना का खुलासा करते हुए दो चोरों को चोरी की पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक अभियुक्त की तलाश अभी भी जारी है। राठ में आर्मी मैन है परमानंद राजपूत, ये लद्दाख में सेवारत है, अवकाश पे घर आए थे। तो 15 जुलाई 21 को इनके घर में रात में चोरी हुआ, जिसमें इनका लाइसेंसी पिस्टल चोरी हुआ था। इस संबंध में एक चैलेंज के रूप में इसको लिया गया और राठ पुलिस द्वारा दो लोगों को, कपिल और देव सिंह दो को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुआ है। और अभी इसमें एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इनके द्वारा बताया जाता है कि अन्य और भी जगह घटनाएं कारित की गई हैं। विवेचना के दौरान अन्य तथ्य भी और जो प्रकाश में आएंगे, तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।